आज मुलाकात हुई है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच। ऐसा माना जा रहा था कि रूस के अगले कदम को लेकर शायद उस मुलाकात में कोई चर्चा हुई होगी, हालांकि रूस की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसमें द्विपक्षीय वार्ता और साथ में कुछ ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा की बात की गई है, स्पष्ट नहीं किया गया। अब आपके मन में अगर ये सवाल है कि व्लादिमीर पुतिन पर कथित हमले को लेकर अगर रूस विचलित है तो वो क्या कर सकता है, क्या कीव पर एटमी हमला वो कर सकता है जिसकी गुंजाइश शुरुआत से जताई जा रही थी। अब ऐसे में रूस के पूर्व डिप्टी पीएम की बात को समझना जरूरी हो जाता है जिन्होंने कहा है कि कीव पर हमले के अलावा अब रूस के पास कोई चारा नहीं। जब इन तस्वीरों को देखने के बाद सारी दुनिया विश्व युद्ध की आशंका से घबराई हुई है, तब भारत में रूस के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात में हंसते हुए दिखते हैं। जब पुतिन के पलटवार से निपटने की तैयारी में नाटो लगा हुआ है, तब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मजाक पर जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक मुलाकात की शुरुआत में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लावरोव से पूछा कि क्या उन्हें गोवा में सनटैन कराने का मौका मिला है, जिस पर रूसी विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि उन्हें लगभग 1.5 घंटे का वक्त मिला है लेकिन किसी को बताना मत। रूस के विदेश मंत्रालय ने भी दोनों विदेश मंत्रियों के हंसते हुए फोटो को #drusbaddosti लिखकर ट्वीट किया है। रूसी भाषा में इसका मतलब दोस्ती होता है, लेकिन जो रूस दोस्त के घर पर हंसता मुस्कुराता घूम रहा है वो अमेरिका और नाटो को लेकर बहुत गुस्से में है और पुतिन पर ड्रोन अटैक को लेकर बड़ा आरोप लगाता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन वही करता है जो उसे कहा जाता है। इस तरह के हमले के फैसले कीव में नहीं होते बल्कि वॉशिंगटन में लिए जाते हैं। रूस ने दो टूक कहा कि क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक का मास्टरमाइंड अमेरिका है, ये साजिश अमेरिका में रची गई जिसे यूक्रेन ने आंख मूंद कर अंजाम दिया। लेकिन अमेरिका जान ले कि रूस उसके इरादों को अच्छी तरह जानता है। इतनी बड़ी मिसाइल नहीं थी कि पूरे क्रेमलिन को ध्वस्त किया जाए, ये मेरे ख्याल से राष्ट्रपति या राष्ट्रपति भवन के किसी बड़े ऑफिसर को मारकर वो हमारे देश को नीचा दिखाना चाहते थे, और इससे ऐसा थोड़ी था कि इसके बाद से रशिया झुक जाएगा, ये उसका कोई इंटेंशन नहीं था, ये केवल नीचा दिखाना हमारे देश को इंटेंशन। पुतिन पर हमले के बाद से रूस बहुत गुस्से में और उसकी तरफ से जेलेंस्की के घर पर मिसाइल गिराने की मांग हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस कीव पर परमाणु हमला कर सकता है, क्या पुतिन की हत्या की कोशिश रूस यूक्रेन युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित होगी। दिमित्री रोजोकिन रूस की स्पेस एजेंसी के पूर्व चीफ भी रह चुके हैं जो अब यूक्रेन के साथ युद्ध भूमि में तैनात है। जवान के यूनिफॉर्म में इन्होंने बाकायदा AK-47 भी टांग रखी है। अगर आपको इनकी धमकी पर भरोसा नहीं है तो ये देखिए, ये पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुई रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल है, नाम है सरमट। इस मिसाइल को रूस का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। दिमित्री रोजोगिन इसी मिसाइल टेस्टिंग विभाग के चीफ थे। सरमट को रूस की अब तक की सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। इसकी दो खासियतों की वजह से अमेरिका से यूरोप तक हर कोई घबराया हुआ है। इस मिसाइल की पहली खतरनाक बात यह है कि ये 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से हमला कर सकती है, यानी रूस से लंदन तक पहुंचने में इसे बमुश्किल 6 मिनट लगेंगे। दूसरी ये कि अलग अलग दिशाओं में टारगेट पर एक साथ परमाणु हमला कर सकती है, इस वजह से कोई एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता, तो पुतिन जब चाहे परमाणु हमले से सबसे भयानक तबाही मचा सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रूस के पास भी मिसाइल और संसाधन खत्म हो रहे हैं। ऐसे में युद्ध जीतने के लिए उसे ऐसा कुछ करना होगा कि यूक्रेन फौरन घुटने टेक दे। इसे रोकने के लिए पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिसके खिलाफ रूस नाटो को घेरने की रणनीति पर जुट गया है। यूक्रेन से क्रेमलिन तक किसी ड्रोन का इतनी हाई सिक्योरिटी में चलाना ये थोड़ा मुश्किल चीज लग रहा है। दो ही कारण हो सकता है, या तो ये ड्रोन सुपर हाई टेक्नोलॉजी से लैस है जिसको हमारी एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं डिटेक्ट कर पाई, ये टेक्नोलॉजी
यूक्रेन के पास तो नहीं है, ये टेक्नोलॉजी हो सकती है यूएस के पास या फिर इंग्लैंड के पास हो सकती है, या फिर इनके यूक्रेनियन लोगों का नेटवर्क, बहुत सारे माइग्रेंट हमारे यहाँ भी आए हुए हैं, उन माइग्रेंट यूक्रेनियन के बीच में उनका नेटवर्क है जिसके थ्रू वो लोग अपना काम कर रहे हैं। दो ही में से एक ही वेरियंट। रूस ने नाटो को घेरने के लिए ब्लैक सी में 5 नेवल वॉरशिप और 2 अतिरिक्त सपोर्टिव शिप को उतार दिया है। रूस की इस घेराबंदी से ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे देशों पर खतरे के बादल छा गए। रूस की इस नीति से ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे को ब्लैक सी में मूवमेंट करने में परेशानी होगी। रूस एक तरफ नाटो को घेर रहा है तो वहीं एससी जैसे संगठनों के जरिए चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। भारत के लिए रूस और चीन की बढ़ती नजदीकियां चिंता की बात है, क्योंकि एलएसी पर तनाव अभी कम नहीं हुआ। इसकी गूंज दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में सुनने को मिली। जिस तरह से एससीओ को रूस और चीन नाटो के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जंग के बीच जिनपिंग रूस का दौरा किया उससे भारत अलर्ट पर। लेकिन इस वक्त सारी दुनिया की नजर पुतिन पर कि वो आगे क्या करते हैं। गोवा से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। क्रेमलिन के ऊपर एक ड्रोन के नष्ट होती हुई तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। वो धुआं, वो धमाका सबने देखा और उसके बाद सबके जहन में ये था कि रूस अब आगे क्या करने वाला है। तो उसका जो निर्णायक हमला होगा उसको लेकर तो अटकलें अभी भी चल रही हैं, लेकिन जैसे ही ये हुआ और रूस की तरफ से ये कहा गया कि अब जो पलटवार होगा हम तय करेंगे कहां और कैसे हमें करना है, इसकी आजादी हमारे पास है। यूक्रेन लाख मना करता रहा कि हमारी तरफ से हमला नहीं हुआ है, लेकिन रूस ने ये स्पष्ट कहा कि हम इसका जवाब देकर रहेंगे। और यूक्रेन में उस जो क्रेमलिन में ड्रोन का हमला हुआ था, उसकी जो कोशिश हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक रूस ने ताबड़तोड़ वहां पर बमबारी की है। शाम को मॉस्को से हमले की तस्वीर आई। जवाब में रूस ने पूरी रात यूक्रेन की नींद उड़ा दी। रूसी हमले में शुरुआती जानकारी के मुताबिक 21 लोगों की मौत और 48 के घायल होने की खबर। 3 मई की रात जब पूरा यूक्रेन नींद की आगोश में था, अचानक रात के सन्नाटे को चीरते हुए सैकड़ों सायरन चीखने लगे। और इससे पहले कि यूक्रेन के लोगों की नींद खुल पाती, काली चादर से ढका आसमान मौत के शोले बरसाने लगा। आसमान से फाइटर प्लेन बम बरसा रहे थे। तो समंदर की तरफ से रूसी जंगी जहाज और सबमरीन मिसाइल दाग रहे थे। आसमान और समंदर से किए गए इन रूसी हमलों से यूक्रेन बुरी तरह से दहल उठा। एक दो नहीं, रूस की सेना ने करीब करीब 100 से ज्यादा क्रूज मिसाइलों को यूक्रेन के शहर पर झोंक दिया। रूस ने क्रूज मिसाइलों से वार किया। काला सागर से यूक्रेन के खेरसन पर भयंकर हमला हुआ। रूस के जंगी जहाजों और सबमरीन से मिसाइलों की बौछार की गई। यूक्रेन की आसमानी सीमा को लांघकर फाइटर जेट बम बरसाए। जिस वक्त रूस की तरफ से मिसाइलों और बम वर्षक विमानों से बम बरसाए गए, तो खैरजन शहर के एक हाइपर मार्केट शॉपिंग कर रहे 3 लोग मौके पर ही मारे गए। रूस ने इस कहर के साथ ही आरोप लगाया कि यूक्रेन पुतिन की हत्या के लिए 2 ड्रोन मॉस्को भेजे थे। इस हमले का खामियाजा उसे भुगतना होगा। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, जेलेंस्की और उसकी मंडली को खत्म करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। हमें उनकी जरूरत नहीं है कि वो बिना शर्त सरेंडर पर दस्तखत करें। वहीं रूसी संसद ड्यूमा के चेयरमैन ने कहा, जेलेंस्की की सरकार ISIS जैसी आतंकवादी सरकार है। किसी भी हथियार का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कीव को दुनिया के नक्शे से गायब कर देना चाहिए। रूस की इन भयंकर धमकियों के बीच जेलेंस्की ने क्रेमलिन हमले यूक्रेन का हाथ होने से सीधे इनकार कर दिया। रूस पर जब हमला हुआ तो जेलेंस्की फिनलैंड में, यहाँ से वो नीदरलैंड जाएंगे। जेलेंस्की रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हथियारों की मदद मांगने पहुंचे हैं। दूसरी तरफ क्रेमलिन में ड्रोन अटैक को लेकर अमेरिका को रूस के आरोप पर यकीन नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पूरी जानकारी के बाद कुछ कहा जा सकता है।
अमेरिका संभल कर बयान दे रहा है, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए। 14 महीने से जारी ये जंग क्रेमलिन पर हमले के बाद और भीषण हो गई। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन ने लगातार कहा है कि यह हमला उसकी तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन रूस इस बात पर लगातार कायम है कि यह हमला यूक्रेन की तरफ से ही हुआ है। उसने कई दिनों पहले ही कह दिया था कि जो विक्ट्री डे परेड है उस पर निशाना साधा जा सकता है और हवाई रास्ते से किसी ड्रोन के इस्तेमाल से उस पर हमला हो सकता है, जिसकी वजह से विक्ट्री डे परेड में जो एरियल जितनी भी एक्सरसाइजेस थे उन्हें रद्द करने की बात भी चली। लेकिन क्या यह रूस की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है? क्या इसमें एक वो कोण भी हो सकता है कि ड्रोन जो है वो यूक्रेन की तरफ से न आए हो? किस आधार पर हम ये कह रहे हैं उसे भी समझिए। ये बहुत सारी थ्योरीज हैं जो जानकारों की तरफ से दी जा रही हैं, जिसमें ड्रोन कितनी दूरी से उड़कर आया होगा, छत पर दो लोग क्यों नजर आ रहे हैं, इस तरह की बातों को कहा जा रहा है। ये वो तस्वीर है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकती है। रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि उसने राष्ट्रपति पुतिन की हत्या के इरादे से क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला किया। 15 मिनट के अंतर पर दो यूएवी से सेनेट को निशाना बनाया गया। इन दोनों को ही रूसी फायर डिफेंस ने रडार युद्ध प्रणाली की मदद से मार गिराया। पुतिन की हत्या के लिए इसे आतंकी हमला बताने वाले रूस ने ही कहा है कि हमले में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। खबर है कि पुतिन उस वक्त अपने महल में नहीं थे, वो मॉस्को के ही दूसरे इलाके में अपने घर में थे। यूक्रेन ने सीधे तौर पर इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया है। तो फिर यह हमला किसने करवाया? क्या यह फॉल्स फ्लैग अटैक था? क्या होता है फॉल्स फ्लैग अटैक? आपको यह सब बताएं, लेकिन पड़ताल की शुरुआत इस वीडियो से करते हैं। क्रेमलिन की सीक्रेट बिल्डिंग की तरफ उड़कर आते ड्रोन्स का यह वीडियो सबसे पहले जारी करने वालों में रूसी सरकारी एजेंसी से जुड़ा एक टेलीग्राम चैनल शामिल है। हमले की जगह से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 850 किलोमीटर है। यूक्रेन की मौजूदा सीमा से क्रेमलिन सीनेट की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है। जहां एक ड्रोन क्रेमलिन कॉम्प्लेक्स के पास टकराया, वहां से पुतिन का शाही महल दक्षिण की ओर है।